दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए सूखे मेवों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, लेकिन जब हम सूखे मेवों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसकी पूरी प्रोसेस पता नहीं होती है कि कैसे सूखे मेवों का इस्तेमाल करना है, कब करना है और कितने दिनों के लिए करना है। दोस्तों बेसिकली आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सूखे मेवे में काजू, बादाम, अखरोट, मुनक्का इत्यादि का सेवन आप करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और आप अखरोट का सेवन करते हैं तो उसके सेवन का सही तरीका क्या होता है, आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ताकत बढ़ाने के लिए अखरोट का सेवन ऐसे ही कर लेते हैं तो आपको कोई विशेष फायदा नहीं होता है, और अगर आप अखरोट का सेवन सही तरीके से करते हैं तो ये आपके शारीरिक मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जान लेते हैं आप क्या करें। 15 ग्राम अखरोट एक गिलास दूध में डालकर उबालना आप शुरू कर दें। उबलने के बाद इसमें पीसी हुई मिश्री मिला लें। दोस्तों ध्यान रखें कि जो चीनी आजकल बाजार में आती है उसी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मिश्री का इस्तेमाल करना है। आप मिश्री लाकर बाजार से उसे अच्छे से पीस लें और वो डाल सकते हैं। अब इसमें आप 2 से 4 केसर की पत्तियां डाल लें। अब इसको अच्छे से उबलने दें। ये मिश्रण आपका तैयार हो जाएगा। अब इस मिश्रण को सुहाता सुहाता गर्म गर्म आपको पीना है। दोस्तों ये जो मिश्रण होता है ये अत्यंत शक्तिवर्धक होता है और अखरोट का सही इस्तेमाल इस मिश्रण में होता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है तो आप इस प्रयोग को 40 दिन तक कर सकते हैं। 40 दिन में ये बहुत अच्छा फायदा देता है। तो दोस्तों ये था कि आप अखरोट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।